हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदिक गुरुज में। आज वेदिक गुरुज क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 5.2 लेकर आए हैं। 5.2 के आज हम पहले दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें हम आपको बताएंगे कि आपने जो फॉर्मूला nth टर्म का है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसकी हेल्प से हम ए एन और डी की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का है लिखा है, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ ए 7, वैल्यू ऑफ डी 3, वैल्यू ऑफ एन 8। ए एन यानी nth टर्म किसी एपी की हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए डी और एन दे रखा है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है nth टर्म का, ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पूरी एक्सरसाइज 5.2 में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर क्वेश्चन में लिखना भी है और याद भी करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें अब ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ए एन इज इक्वल टू, देखिए ए के प्लेस पे जो गिवन है 7 मैंने लिख दिया, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो हमें 8 गिवन है माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस है यहाँ वो 3 लिख दिया हुआ है, पुट कर दी वैल्यूज हमने, देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21। तो जो nth टर्म है ए एन जो हमें कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू आ गई 28। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ए गिवन है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और nth टर्म हमें 0 गिवन है। फॉर्मूला हमने आपको बताया था पहले ए एन का, जो हमने हर क्वेश्चन यूज करना है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस वैल्यूज पुट करनी है। ए एन के प्लेस पे देखिए 0 लिख रहे हैं, ए हमें गिवन है -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 है यहां पर 10 माइनस 1, और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो -18 इधर आके +18 बन जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9d, तो d की वैल्यू आगे देखिए 18/9, ये कैंसिल हो जाएगा 9 2 18, तो d आ गया कॉमन डिफरेंस 2। सिमिलरली थर्ड पार्ट, इसमें हमें a फाइंड आउट करना है, d n और a n गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n के प्लेस पे लिखेंगे -5, a कैलकुलेट करना चाहते हैं, n के प्लेस पे 18 माइनस 1 और डी दे रखा है -3, तो आ गया -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 और ये -3, तो देखिए -5 इज इक्वल टू ए 17 मल्टीप्लाई 3 -51 आएगा, -51 आप इधर ले आइए, -51 इधर आ गया +51 बन जाएगा इज इक्वल टू ए, तो 51 प्लस का है 5 माइनस का, तो ए की वैल्यू आ गई यहां पर 46। लेट्स टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर गिवन ए इज इक्वल्स टू -18.9, डी 2.5, एन वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है ए एन 3.6। फॉर्मूला हमें पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू देखिए रेफरेंस 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और डी है 2.5, तो अगर 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9, ब्रैकेट ओपन करिए +2.5 n -2.5, n से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो ये बनेगा 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 -2.5, देखिए ये दोनों टर्म्स माइनस हैं ऐड हो जाएंगे, 9 + 5 = 14, 18 + 2 = 20 + 1 = 21.4 और नेगेटिव साइन बड़ी टर्म का साइन आएगा +2.5 n -21.4 इधर आके प्लस का बन जाएगा, 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल्स टू 2.5 n, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 21 + 3 = 24 + 1 = 25 इज इक्वल्स टू 2.5 n, तो वैल्यू ऑफ n यहाँ से आ जाएगी 25/2.5, ये पॉइंट रिमूव करेंगे इनटू 10 लगा देंगे, तो 25 से 25 कैंसिल आ जाएगा, n की वैल्यू होगी 10 यानी नंबर ऑफ टर्म्स 10। सिमिलरली द फिफ्थ पार्ट, a d और n गिवन है, an कैलकुलेट करना, an का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए एन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए इज 3.5 प्लस एन इज 105 माइनस 1 और वैल्यू ऑफ डी है 0, तो ए एन आएगा 3.5, 105 माइनस 1 104 और मल्टीप्लाई में 0 लिखना, तो आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरे टर्म जो है ये 0 बन जाएगी, तो 3.5 प्लस 0, तो यानी ए एन बी 3.5 आ गया, रिमेन सेम एज द फर्स्ट टर्म। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वी वांट टू कैलकुलेट द 30th टर्म ऑफ द एपी एंड एपी इज 10 7 4 -, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हमें चार ऑप्शन गिवन है, एक चेक करना है। तो जो एपी गिवन है सबसे पहले हम वहां से लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए,
10, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी माइनस 3। तो देखिए a हमें पता है 10, d हमें पता है माइनस 3 और n जो है वो 30 है जो हमें गिवन है कि 38 टर्म कैलकुलेट करो। तो an का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a n के प्लेस पे 30, a 30 यानी 38 टर्म, a के प्लेस पे 10, n के प्लेस पे 30 माइनस 1 और जो वैल्यू ऑफ d है कॉमन डिफरेंस वो है माइनस 3। सॉल्व कर देंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, तो आ जाएगा 10। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 87, तो a 30 यानी 38 टर्म जो है वो आ गई हमारी माइनस 77। और अगर ऑप्शन में चेक करें तो c ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। 11th टर्म वी वांट टू कैलकुलेट ऑफ द ap, ap इज माइनस 3 माइनस 1 बाय 2 डैश 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 डैश। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन चार ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी, एक सेलेक्ट करना। तो देखिए फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं a माइनस 3, कॉमन डिफरेंस आपको पता है a2 माइनस a1 होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो ये आएगा माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस 3। तो ये हो गया देखिए d इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 और इसका एलसीएम ले लेंगे आप, माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 1, एलसीएम आएगा 2 माइनस 1 प्लस 6 यानी 6 माइनस 1 5 अपॉन 2। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 5 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म ए हमें पता चल गई माइनस 3 गिवन है स्टेटमेंट में, और जो हमें नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी है, 11th टर्म कैलकुलेट करनी है, तो मतलब एन 11 हो गया, ए एन वी वॉन्ट्स टू कैलकुलेट। तो फॉर्मूला हमें पता है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यूज पुट करनी है बस। ए एन का फॉर्मूला लिख लिया हमने, ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करनी है n के प्लेस पे 11 क्योंकि 11 टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। a माइनस 3 प्लस n माइनस 1 अगेन 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d हमने कैलकुलेट किया अभी 5 अपॉन 2, तो हो गया माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएंगे 2 5 जा 10, तो माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 25 माइनस 3 22, तो 11th टर्म जो थी एपी की वो 22 आ गई। और अगर हम ऑप्शन चेक करें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 22। देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट्स, जिनमें हमने आपको बताया हाउ टू यूज द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टू कैलकुलेट द वेरियस वैल्यूज ऑफ ए एन एंड डी। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है और क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर करना है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वैदिक गुरुज का चैनल YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि 5.2 के बहुत जल्द अगले क्वेश्चंस भी आपके पास पहुंचने वाले हैं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।